यूं तो कानपुर शहर उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है, लेकिन यहाँ का अंतर्राज्यीय बस स्टैंड आज बदहाली के आंसू रो रहा है। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, इसलिए कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने दिशा निर्देश दिए हैं कि अवैध रूप से पटाखों एवं नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए बस स्टेशनों और विभिन्न जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया जाए। उसी कड़ी में झकरकटी बस स्टेशन पर भी चेकिंग का अभियान शुरू हो चुका है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की पोल तब खुलती नजर आई जब झकरकटी बस स्टॉप में सुरक्षा व्यवस्था में लगे सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। इस बाबत जब हमने झकरकटी बस स्टेशन के एआरएम राजेश सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि बस स्टेशन के कैमरा सिस्टम पूरा तरह से पुराना हो चुका है और खराब हो गया है। 16 में से 7 कैमरे अपेक्षाकृत काम कर रहे हैं। इतने बड़े बस स्टेशन में 16 कैमरे काफ़ी नहीं है। यात्रियों की सुरक्षा और उनकी सुविधाओं को मद्देनजर रखते झकरकटी एआरएम ने 32 कैमरों की डिमांड उच्च स्तर पर की है। अधिकारियों को पत्र लिखकर अवगत कराया गया है, जल्द ही इसका निवारण होगा। हमारे यहाँ पुलिस के द्वारा जो स्थानीय पुलिस है हमारी लोकल थानों की, वो लगातार आकर के वो लोग डॉग स्क्वाड्स भी आते रहते हैं और वो पुलिस भी आती रहती है और वो लोग लगातार यहाँ पर सामान यात्रियों को चेक करते रहते हैं और हम लोगों के स्तर से भी जो कुछ संभावित है वो किया जाता है। लगेज स्कैनर रूम अपना कार्य कर रहा है, मेन गेट पर ही लगा हुआ है, उसमें 24 घंटे कई पुलिस वालों की ड्यूटी रहती है और वो लोग स्वतः संदिग्ध लोगों से और रूटीन वे में उनके लगेज की चेकिंग करते रहते हैं। बस स्टेशन के कैमरा सिस्टम जो है वो पुराना होकर के ख़राब हो गया है और निश्चित तौर पे इतने बड़े बस स्टेशन के लिए मात्र 16 कैमरे लगे हैं, जिनमें से वर्तमान में 9 कैमरे पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, मात्र 7 कैमरे हैं जो अपेक्षाकृत काम कर रहे हैं। दिक्कत तो है, यात्रियों की सुरक्षा और बसों के साथ उन पर देखभाल के लिए कैमरों की स्थिति तो ख़राब है। मेरे द्वारा अपने उच्च प्रबंधन से लगातार लिखित रूप से मौखिक रूप से अनुरोध किया जा रहा है, शीघ्र ही मुझे पूरी उम्मीद है कि शीघ्र ही यहाँ पर पूरा नया कैमरा सिस्टम हमको मिलेगा और मैंने 32 कैमरों की डिमांड करी है। हो सकता है कि 32 कैमरों की अगर मुझको परमिशन मिल जाती है और यहाँ पर वो नए आईपी कैमरे लग जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो सुरक्षा व्यवस्था की बात आपने कही है वो पूरी करने में हम लोग पूरी तरह से सक्षम होंगे। ये तो विभागीय पत्राचार है, मैं लगातार कर रहा हूँ, मैं लगातार हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय के संज्ञान में है, लेकिन कुछ फंड्स वगैरह की दिक्कत है जिसकी वजह से कैमरा सिस्टम नहीं अपडेट हो पा रहा है और ये पुराना वाला रिपेयरिंग लायक नहीं रह गया है, तो इसलिए दिक्कत है। शीघ्र ही उम्मीद कर रहा हूँ कि ये काम भी हो जाएगा। त्योहार के मद्देनज़र झकरकटी बस स्टेशन पर चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है, क्योंकि जैसा कि कानपुर के कमिश्नर असीम अरुण का निर्देश भी है, आदेश भी है कि जिस तरीके की घटनाएं जो होती हैं त्यौहार के मद्देनज़र, चरस, गांजा, अवैध तरीके के पटाखे, अवैध शराब, इन चीज़ों का जो संचालन होता है बसों के माध्यम से ज़्यादा हो जाता है, उसको लेकर के चेकिंग अभियान जो है शहर में तेज कर दिया गया है। लेकिन उस पर एक सवाल और ये खड़ा होता है, अब हमारे पीछे देख रहे होंगे लिखा हुआ है आप कैमरे की नज़र में हैं, आप कैमरे की नज़र में ये लिखा तो इस बस स्टेशन पर ज़रूर है, लेकिन यहाँ के जो कैमरे हैं झकरकटी बस स्टेशन के अगर कैमरों की बात की जाए तो वो ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि वो सिस्टम पुराना है और पुराना होने के साथ साथ वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। कई कैमरे ऐसे भी हैं जो अब चल भी नहीं रहे हैं, जिससे कि यहाँ की सुरक्षा पे एक बड़ा सवाल ज़रूर उठता है। जब यहाँ के आरम से हमने बात करने की कोशिश करी तो उनका कहना यही था कि हम लगातार इसके लिए पत्राचार कर चुके हैं, ऊपर बोल चुके हैं, लेकिन आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द इन कैमरों को ठीक कराया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से एक बड़ा सवाल ज़रूर उठता है कि शहर के सबसे बड़े बस स्टेशन पर आखिर कैमरे ख़राब हैं, उनको अभी तक उस सिस्टम को क्यों नहीं सही किया गया, जबकि यहां से एप्लीकेशन जो है वो जा चुकी है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अवरल गुप्ता, न्यूज़प्लस, कानपुर। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़प्लस। न्यूज़प्लस 24x7 चैनल को सब्सक्राइब करें, अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।